हुईयों को हम पहले छील लेते हैं, इनका पूरा छिलका अच्छी तरह से साफ़ करके निकाल लेते हैं। फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि इसका चिपचिपाहट हमें कैसे निकालनी है और ये बिल्कुल क्रिस्पी करारी कैसे बनेंगी बिना उबाले। जनरली क्या होता है, लोग अरबी को उबाल के ही बनाते हैं क्योंकि इसका लिबलिबापन और ये जो चिपचिपाहट होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो कई लोग घुइयाँ सिर्फ इसी वजह से नहीं खाते कि उन्हें ये इसका चिपचिपाहट पसंद नहीं होती। तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, ये इतनी क्रिस्पी, इस ट्रिक को लगाने से ये इतनी क्रिस्पी और इतनी करारी बनेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि बिना उबाले हुए इतनी अच्छी कैसे हो गई। तो इसी तरह से हम सारी घुइयाँ छील लेंगे और ये सब जो इनका काला वाला पार्ट है ये भी निकाल देंगे। ये देखिए जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है वो सब निकाल दीजिए और बिल्कुल इसको साफ साफ कर लीजिए। पूरी तरह से कट गई हैं और मैं इनको डाल रही हूँ एक कह लीजिए एक बॉक्स है जिसमें ढक्कन लगा हुआ है और अच्छा एयर टाइट बॉक्स होना चाहिए, ढक्कन सही से लग जाए। जिसमें आहट भुइयों से चिपचिपाहट निकालने के लिए अब हम इसमें डालेंगे, ये डिप हो जाए इसमें और इसमें आप लगा दीजिए ढक्कन। इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसके बाद इसको अच्छी तरह से आपको बंद करके, ये ध्यान रखिएगा कि ढक्कन सही से लग जाए, नहीं पानी पूरे में फैलेगा, और इसको अच्छी तरह से आपको ऐसे शेक करना है, कस के शेक करिए पूरी ताकत से, करीब एक से दो मिनट तक आप शेक करते रहिए इसको अच्छी तरह से। शेक करने के बाद आप देखेंगे कि ये देखिए इसमें कितना गीला गीला ये चिपचिपाहट वाला पानी निकला है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आप एक दूसरे बॉल में इसका पानी ट्रांसफ़र कर देंगे और यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। इसमें साफ़ पानी डाल के ये देखिए ये मैंने साफ़ पानी इसमें डाल दिया है दोबारा से, और यही सेम चीज़ मैं दोबारा करने वाली हूँ। ढक्कन बंद कर दीजिए, तो दोबारा शेक करूँगी। खोल के देखते हैं इसको, ये देखिए इसमें फिर चिकनाहट वाला पानी निकला है और इस तरह से ये वाला पानी भी मैं निकाल देती हूँ उसका। बस एक बार और वॉश कर लेंगे इससे, बाकी ये घुइयाँ आपकी ऐसे हो जाएंगी जैसे कि आलू, बिल्कुल इसमें चिपक वाला पानी नहीं बचेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लास्ट टाइम, यानी कि हम लोग ने तीन बार इससे वॉश किया और अब फिर मैंने कवर लगा दिया है टाइट करके और इसको दोबारा से मैं शेक करने जा रही हूँ। अब हम इसको दोबारा से शेक करते हैं, तो अब आप देखेंगे पानी आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, अब इसमें चिपचिपाहट नहीं निकली, यानी कि घुइयाँ हमारी बिल्कुल चिपचिपाहट फ्री हो गई हैं और ये हमारी पूरी तरह से वॉश हो चुकी हैं, अब इसमें चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर रही हूँ, ये देख इसको ड्रेन कर दिया और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे सुखा लेंगे, ये इसका जब सारा पानी निकल जाए अब हम इसको बनाते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि अब हम इसको कैसे फ्राई करें और कैसे बनाएं, बिल्कुल क्रिस्पी करारी हमारी अरबी बनेगी। तो एक भारी तले का पैन लेके, भारी तले का क्यों ये मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में, एक थोड़ी सी मेथी के दाने डाल दिए उसमें और इनको फ्राई होने देंगे थोड़ा, और इसमें डाल देंगे आधी चम्मच अजवाइन और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी हींग और इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं इन सबको, और इसमें मैं डालूँगी थोड़े से करी पत्ते, करी पत्ते से बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और ये वो अरबी हैं जो हमने धो के अभी छील के रखी थी और इनको डाल दिया। इसके साथ अरबी को ऐसे ही फ्राई होने देंगे धीमी आंच पे, ऐसे ही फ्राई होने देंगे सिर्फ नमक डाल के। तो मैं इसमें डाल देती हूँ नमक आधा चम्मच, क्योंकि नमक भी इसमें कम पड़ेगा, एकदम ड्राई रहेंगी ये सूखी, इसलिए नमक कम पड़ेगा। और इनको ऐसे ही फ्राई होने देते, पूरे में स्प्रेड कर दीजिए। अगर आप भारी तले का पैन नहीं लेंगे तो ये क्या होगा, ये जलने लग जाएंगी, तो इसलिए क्योंकि हमें इनको धीमी आंच पे ही बनाना है, हल्के हल्के ये फ्राई होंगी, इसलिए भारी पैन होता है तो उसमें वो जलती नहीं है सब्ज़ी, पलटते पलटते रहेंगे ताकि ये जले ना। 5 मिनट ये तल चुकी हैं, अब मैं इसको ढाँक के रख देती हूँ करीब 5 मिनट के लिए और, ताकि ये गल जाए उसमें। इसकी आंच बिल्कुल धीमी ही रखना है,
हमें तेज़ आंच नहीं करना, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। तो ये अरबी को 5 मिनट तक ढक के पकते हुए हो गया, ये आधी गली भी हो गई। डालूंगी ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जिसमें अच्छा सा बढ़िया सा इसका कलर आ जाएगा, और उसके साथ साथ क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स, जिससे ये बहुत अच्छा इसको लुक देंगे और थोड़ा स्पाइसी भी बनाएंगे। तो अगर आपको चिली फ्लेक्स नहीं डालना है तो आप हटा सकते हैं, इसको अपने हिसाब से आप टेस्ट को एडजस्ट कर लें, मिर्च को उतना ही डालें जितना आपको पसंद। बस 5 मिनट और इनको हम फ्राई करेंगे ऐसे ही खुले हुए, अब ढांकेंगे नहीं, ढांकने की ज़रूरत नहीं है। और आँच आप बिल्कुल इंश्योर इट कि बिल्कुल धीमी रहे, तेज़ आँच पे अगर आपने कर दिया तो ये सब जल जाएंगे। तो ये बिल्कुल ऊपर से करारी रहेंगी, अंदर सॉफ्ट है और बिल्कुल भी इसमें चिपक नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये आलू की तरह लग रही है, इसमें ज़रा भी चिपचिपाहट नहीं है। और ये खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बनाने में ये इतनी सिंपल है, खाने में उतनी ही लाजवाब है, उतनी ही मज़ेदार है। तो उनको ऐसे चला चला के आप तलते रहें, 5 मिनट और फ्राई कर लें, और या तो धीमी आंच पे छोड़ दें और बीच में देख लें कि हुआ है कि नहीं है। तो ये हमारी बढ़िया करारी स्पाइसी अरबी तैयार है, अब हम इनको सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें समद किचन को, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी बिल्कुल फ्री में। ये हमारी अरबी बिल्कुल चिपचिपाहट फ्री है, बिल्कुल क्रिस्पी है, ये देखें आप बिल्कुल क्रिस्पी है, बहुत पूरी तरह से पक गई, ऊपर से करारी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, पूरी तरह से गल गई है, और ये कितनी आसानी से बन गई। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें, और ये इतनी मज़ेदार है कि आप इसको ऐसे ही खा जाएंगे। वैसे तो रोटी पूरी के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप इंतज़ार ही नहीं कर पाएंगे, ये इतनी टेस्टी है। तो आप इसको बनाएं ज़रूर, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।